ये कहानी एक मियाँ नाम की लड़की पर आधारित है जिसको उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और वो धीरे धीरे जल परी में बदल जाती है अब और मियाँ के साथ क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लू माइंड माइंड ये मूवी साल दो में रिलीज हुई थी मूवी के शुरुआत में हम मियाँ नाम के एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे खेल रही होती है तभी सीन कट होती है और हम कुछ साल बाद देखते हैं कि मियाँ अब सोलह साल की हो गई है और वो कॉलेज आती है फिर हम देखते हैं कि मियाँ कॉलेज में बिल्कुल अकेली है उसका कोई दोस्त भी नहीं है फिर मियाँ एक दिन वो ग्रुप वाले लोगों से बात करना चाहे, लेकिन उसमें से कोई भी मियाँ से बात नहीं की इससे मियाँ को एक्सेप्ट फील हुआ और वहाँ से चली आई फिर मियाँ जब घर आती है तो उसके मॉम पूछती है कि कॉलेज में उसका पहला दिन कैसा रहा यह सुनकर मियाँ गुस्सा जाती है और मॉम को धक्का देकर अपने रूम से बाहर जाने को कहती है इस हरकत की वजह से मियाँ को अपने डैड से काफ़ी डांट भी पड़ी फिर उस रात मियाँ के शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे थे लेकिन मियाँ को पता नहीं था कि वो क्या हो रहा है फिर मियाँ को प्यास लगती है वो नीचे पानी पीने आती है और वो गिलास लेकर उसमें ढेर सारे नमक डाल के पी जाती है जो कि बहुत अजीब था फिर अगले दिन मियाँ फिर उस ग्रुप से बात करना चाह लेकिन इस बार भी मियाँ को कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया तो मियाँ जब जाने लगती है तभी ग्रुप के लीडर छिपकली वहाँ टपक जाती है और मियाँ को अपने घर जाने को बोलती है इस पर मियाँ मान जाती है और सभी लोग छिपकली के घर जाकर मस्ती करते हैं तभी छिपकली मियाँ के ऑनलाइन डेटिंग अकाउंट भी बना देती है तभी छिपकली के पिछवाड़े में चुल मचती है और कहती है कि तुम में से कोई मेरा गला दबाएगा क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत मज़ा आता है अब छिपकली की बातें सुनकर उसके फ्रेंड ये सोचती है कि कल रात मियाँ शायद के बल गिरी है इसलिए वो बहकी बहकी सी बातें कर रही है फिर मियाँ उसकी चुल शांत करने के लिए राज़ी हो जाती है और छिपकली के गला दबाती है फिर छिपकली थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और फिर होश में आती है तो बोलती है मुझे बहुत मज़ा आया फिर इस पर मियाँ को भी चुल्ह मचती है और वो भी इसे ट्राई करना चाहती है फिर जैसे ही मियाँ का गला दबाया तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और बेहोशी में वो समुद्र के बीजन देखने लगती है फिर जैसे ही होश में आई वहाँ से तुरंत घर आ गई फिर मियाँ वो फिश टैंक में मछलियाँ देखती है तो उससे काफ़ी वो अट्रैक्ट होती है और उनमें से एक मछलियों को पकड़ कर वो ज़िंदा ही खा जाती है फिर मियाँ को रिलाइज होता है कि ये सब क्या कर रही है तो वो टॉयलेट में जाकर उल्टी करने लगती है फिर मियाँ अपनी डेटिंग वाली अकाउंट खोलती है तो उसमें देखती है कि एक लड़का का मैसेज आया हुआ है फिर पता नहीं मियाँ को क्या होता है वो अचानक लैपटॉप बंद करके वहाँ से चली जाती है फिर अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स को देखती है कि कहीं जा रही है तो मिया उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो तभी छिपकली बोलती है कि हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं अब मिया को भी उसके चुगली ग्रुप का हिस्सा बनना था तो वो भी शॉपिंग करने चली जाती है और सुपरमार्केट में वो सब लड़कियाँ चोरी करने लगती है इस पर वहाँ के सुपीरियर छुट्टा लाल को शक हो जाता है और उससे पीछा करने लगती है तभी चुगली लड़कियाँ उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है तभी मिया घर आकर अपना डेटिंग अकाउंट खोलती है और उस लड़के के आए मैसेज को रिप्लाई कर देती है फिर मियाँ जब नहाने जाती है तो वो देखती है कि उसके दो उंगलियाँ आपस में चिपक गए हैं ये देख कर मियाँ काफ़ी घबरा जाती है तभी उसकी मम आती है और वो पूछती है कि फिश टैंक में से एक मछलियाँ कहाँ गई तो मियाँ कहती है कि वो मछलियाँ मैंने टॉयलेट में फ्लश कर दिया तो इस पर उसकी मोम घुस्सा जाती है और उसको एक तमेचा भी मार देती है अब इतना सब कुछ होने के बाद मियाँ डिसाइड करती है कि वो अपने शरीर में हो रहे चेंजेस के बारे में मोम को कुछ नहीं बताएगी फिर अगले दिन मियाँ अपने डैड को स्कूल ट्रिप के लिए बोलती है लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं इस पर मियाँ नाराज़ हो जाती है और वह स्कूल जाने के बजाय एक डॉक्टर के पास चली जाती है और वह अपना उंगली दिखाने लगती है तो डॉक्टर कहती है कि यह सब होना आम बात है कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं फिर मियाँ कहती है कि पहले तो ये नॉर्मल था लेकिन कल से ऐसा हो रहा है फिर मियाँ की बातें सुनकर डॉक्टर भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे सर्जरी करके बाहर निकाल सकता हूँ अब चूँकि मियाँ सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है अब मियाँ को लगने लगा कि कहीं उसे ड्रॉप तो नहीं किया गया तो मियाँ अपने फाइल की एल्बम निकाल कर अपनी मम्मी को प्रेगनेंसी वाली फ़ोटो देखने लगी लेकिन वहाँ उसे कोई भी फ़ोटो नहीं मिली इस बारे में जब मियाँ अपने मॉम से बात करने जाती है तो उसकी मॉम गुस्सा जाती है फिर मियाँ वो चैटिंग वाले लड़के से होटल में मिलने चली जाती है तभी वो लड़का मियाँ के उंगली देखता है और उसे यह सब बताता है तो मियाँ कुछ छोड़कर तुरंत वहाँ से चली जाती है और वह सुपरमार्केट में जाकर एक कैंची और टेप लेती है और अपने उंगली को खुद से ही अलग करने लगती है लेकिन ऐसा करने से उसे बहुत दर्द होता है और उसे वहीं छोड़ देती है फिर अगले दिन मियाँ अपने मोम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी फिर उसके मोम डैड मियाँ के अजीब हरकतें देखकर कर सॉक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसे ब्रेकफास्ट कर रही थी जैसे वो सालों से नहीं खाई है फिर मियाँ क्लब पार्टी में जाती है और पूरी रात मस्ती करती है फिर अगले ही दिन छिपकली मियाँ के मॉम डर से मिलते हैं और मियाँ को कॉलेज ड्रॉप पर जाने के लिए छिपकली ने उसके पिता का नकली साइन भी करवा लिया था फिर मियाँ अपने मॉम डर से बताए बिना स्कूल ट्रिप पर जाने लगी और जब वो वहाँ पहुँची तभी मियाँ को अजीब सा फील होने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और वहाँ उल्टियाँ करने लगती है मियाँ अपने शरीर में हो रहे चेंजेस से काफ़ी परेशान थी क्योंकि मॉम डैड से बताए बिना मियाँ कॉलेज ड्रॉप पर गई थी इसलिए वो जब घर आई तो उसके मॉम डैड ने उसे खूब डांटा पर मियाँ यह सब इग्नोर कर देती है और सोने अपने कमरे में चली जाती है तभी उसे नींद नहीं आ रही थी तभी वह जैसे तैसे करके जमीन पर लेट जाती है तभी वह सुबह देखती है कि उसके शरीर से स्किन निकल रहे हैं ऐसा स्किन जैसे कोई मछली का हो मिया ये सब देख कर घबरा जाती है और वह स्किन को बेड के अंदर छिपा देती है ताकि उसके मॉम डैड को यह सब पता ना चले फिर अगले दिन मियाँ के कॉलेज में एक मछली ड्रॉप पर रिसर्च चल रही थी तभी मियाँ उस मछली को देख के अट्रैक्ट होने लगती है और सभी को चले जाने के बाद मियाँ मछली को कच्चा ही खा जाती है लेकिन ऐसा करते हुए उसे एक लड़की देख लेती है तभी मियाँ उस लड़की को डराने धमकाने लगती है कि अगर वो इसके बारे में खुशी को बताई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी फिर अगले दिन मियाँ के मॉम डैड कहीं बाहर चले जाते हैं और मियाँ जब घर पर अकेली होती है तो वह घर में रखे फिक्स ड्रॉप की सारी मछलियों को कच्चा खा जाती है तभी मियाँ को छिपकली का मैसेज आता है और उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है तभी मियाँ उस पार्टी में जाती है और ख़ूब नशे करती है और मियाँ जब साइड में पड़ी होती है तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है दरअसल छिपकली समुद्र में डूब रही थी और उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था तभी मियाँ दौड़ के जाती है और उसे बचा लेती है फिर मियाँ यह रियलाइज करती है कि उसके पैर और धीरे धीरे काले हो रहे हैं फिर ये बात छिपकली को बताती है तो छिपकली भी ये सब देख कर हो जाती है और छिपकली दुम हिलाकर वहाँ से चली जाती है अगले दिन फिर मियाँ तैयार होकर एक पार्टी में जाती है और मियाँ जब नशे से चूर होती है तो कुछ लड़के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन छिपकली उसे आकर बचा लेती है और ये सबसे तंग आकर मियाँ वहाँ से दौड़ी चली आती है और घर आकर अपने हाथ की नस्ें काट लेती है और वो भी होश हो जाती है फिर सुबह उठकर वो देखती है कि उसके पैर धीरे धीरे जल परी में बदल गए हैं और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है तभी वो जैसे तैसे करके बार टैंक में जाती है और पानी को चालू करती है पानी में आते ही मियाँ को अच्छा लगने लगता है तो पूरे घर को पानी से भर देती है फिर मियाँ छिपकली को कॉल करके वहाँ बुलाती है और छिपकली मियाँ को देख हैरान हो जाती है तभी छिपकली मियाँ को जैसे तैसे करके कार में बैठाती है और समुद्र के किनारे ले जाती है क्योंकि मियाँ वो सूखे पर नहीं रह सकती समुद्र में जाने से पहले मियाँ छिपने मॉम मोम डर से बात करती है और उन्हें यह सब के लिए थैंक्स बोलती है और छिपकली से कुछ देर बात करने के बाद मियाँ समुद्र में चली जाती है और जैसे ही वो समुद्र में जाती है उन्हें अच्छा फील होने लगता है और यहीं से यह कहानी ख़त्म हो जाती है